two of them? Yeah. मैं अनाबाद कथाकथन से निगार अब्दीन आज मैं पढ़ने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ये भी नशा वो भी नशा। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटे लाल बारह दरी में भंग छान रही थी। कैसे ऐसा मालूम हुआ जिला अधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल में ही विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे, बहुधा मेले ठेलों में जाते थे, शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनकी खबर पाते ही यहाँ बड़ी खलबली मच गई। सब के सब नंग धड़ंग मुसरचंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आएंगे। फुर से भागे, कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहां के तहां निश्चय बैठे रह गए। आधा घंटा घंटे में तो आप काक कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। इस भगदड़ में कैसे भागते। जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वो जानबूझकर इस विदेशी ठाट से साहब का स्वागत करने को बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांध कर कहा, हाँ सरकार होली है। बुल, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब, हाँ सरकार, आज के दिन यही बहार है। साहब ने पिचकारी उठा ली, सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी नहीं उठे। धन्य भाग, कैसा ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वाह रे हाकिम, ऐसे प्रजावात्सल्य कहते, इसे प्रजावात्सल्य कहते हैं। आह, इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहाँ जिले में अफसर इतनी कृपा करते हैं। बताएं आकर कि उन पर किसी गोरे ने पिचकारी छोड़ी है। जिलाधीश का कहना ही क्या, ये पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले एक वर्ष तपस्या करे तब वह इस परम पद पर परम पद को पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्म अवतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर लूं। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का एक टीका साहब के माथे पर लगा दिया। बोल, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है राय साहब। राय सरकार, ये भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है हुजूर। बुल, इसके पीने से क्या होगा। राय, हुजूर की आंखें खुल जाएंगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल, हम भी पिएगा। राय साहब को जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और वो पुष्पक विमान पर बैठे ऊपर उड़े चले जा रहे हैं। ग्लास तो साहब को देना उचित ना था पर कुल्हर में देते संकोच होता था। आखिर बहुत ऊंच नीच सोच कर ग्लास में भंग उंडेली और साहब को दी। साहब पी गए, मारे सुगंध के चित प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले। प्रातःकाल ज्योतिष से मुहूर्त पूछा, पहर रात गए साहत इतनी बनती थी, पहर रात गए सही बनती थी। अतएव दिन भर खूब तैयारियां की, ठीक समय पर चले। साहब उस समय भोजन कर रहे थे, खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक पिटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा ना पीते थे, अपनी उम्र में शराब कभी ना छुई थी। जी में आया नाक बंद कर लें मगर डरे कि साहब बुरा ना मान जाएं। जी मचला रहा था पर सांस रोके बैठे हुए थे। साहब ने एक चुस्की ली और ग्लास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, हम कल आपका भंग पी गया, आज आपको हमारा भंग पीना पड़ेगा। आपको भंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सा खाना खा गया। राय हुजूर, लोग मदिरा हाथ से भी नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसका छूना पाप कहा गया है। बोल हंसकर, नहीं नहीं, आपको पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं है, ये हमारा भंग है वो आपका भंग है, कोई फर्क नहीं है।
उससे भी नशा होता है, इससे भी नशा होता है, फिर फर्क कैसा? राय, नहीं धर्म अवतार, मदिरा को हमारे यहाँ वर्जित किया गया है। बोल, ऐसा कभी होने नहीं सकता। शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। ये कहते हुए साहब ने ग्लास में शराब कुंडेल कर राय साहब के मुंह में लगा दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब को हटाने लगे। साहब की समझ में ये रहस्य ना आता था। वो यही समझ रहे थे कि ये डर के मारे नहीं पी रहा है। अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और ग्लास मुंह की तरफ बढ़ाया। राय साहब को अब क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे पर धर्म नहीं छोड़ सकते थे। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम उसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ ना कह सके। मारे आवेश के कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके बोले, हुजूर, भंग पवित्र वस्तु है। ऋषि मुनि साधु महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते। सरकार, हमारे यहाँ इसकी बड़ी महिमा लिखी है। कौन ऐसा पंडित है जो बूटी ना जानता हो? लेकिन मदुरा को तो सरकार हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने ग्लास हटा लिया और कुर्सी पर बैठकर बोले, तुम पागल का माफिक बात करता है। धर्म का किताब भंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अक्ल खत्म हो जाता है, तो भंग पीने से पंडित और देवता लोग का अक्ल कैसे खत्म नहीं होगा, ये हम नहीं समझ सकता। तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर खप्त हो गया है, तभी तो वो कहता है ये अछूत है, वो नापाक है, रोटी नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा। हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा, ये सब खप्त लोगों का बात है। अच्छा सलाम। राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए का गाड़ी पर बैठे और घर की राह ली। थैंक यू। ये भी नशा, वो भी नशा।